पार्थ, मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। यदि फल की प्राप्ति मनुष्य या उसके कर्म के अधीन नहीं है तो कर्म ही क्यों करे? क्योंकि मनुष्य का धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करना, इस कर्तव्य पालन के लिए आवश्यक कर्म करना। परंतु हे केशव, फल प्राप्ति की कामना छोड़ने पर मनुष्य में कर्म करने की प्रवृत्ति उत्पन्न कैसे होगी? यदि फल की इच्छा न रहेगी तो मनुष्य कर्म ही क्यों करेगा? हे अर्जुन, जो साधारण मनुष्य फल की इच्छा से ही कर्म में प्रवृत्त होते हैं वो सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं, उनकी मन शांति नष्ट हो जाती है, हर पल हर समय फल प्राप्त के विचार से उनकी निद्रा उड़ जाती है।